पानी का टैंकर जा रहा है। ये कम से कम पूरे एरिए में जहाँ 10-15 टैंकर आते हैं दिल्ली के, इस एरिए के घर का व्यवहार में देने के लिए, हाँ लोगों को घर का सप्लाई। मेरी बात सुनो, समस्या बताएं। मेरा नाम प्रीतम शर्मा है, मैं इसी शारका विहार के रहता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी अहम जो प्रॉब्लम वो है पानी को लेकर। पिछले 9-10 महीनों से यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। पहले डेली पानी आता था, प्रेशर नहीं था। इन्होंने अपनी ही मर्जी से एक नया सलूशन निकाला कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी छोड़ेंगे, लेकिन वो पानी भी उन जो दूर लेंथ में, लंबी लेंथ में रहता है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। और जो पानी आता है 1 घंटा बताते हैं, लेकिन मुश्किल से 30-35 मिनट पानी, कहीं 10 मिनट या कहीं 15 मिनट पानी आता है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, आबादी बढ़ रही है, इनके जो सोर्स है वो वही तसल पुराने हैं। अब और चाहिए सोर्स की उनको और अडाप्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, नए टैंक तैयार करें ताकि लोगों को पानी मिल सके। लेकिन आपके सामने अभी देखा, ये जेई और सुपरवाइजर आए थे, हाथ खड़े करके चले गए कि हम नहीं दे सकते पानी। तो जनता कहाँ जाएगी? यहाँ हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हमें दिन में 500 बार हाथ धोने पड़ते हैं, बार बार साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिलेगा तो कैसे पालन होगा? फिर तो कोरोना से कैसे बच नहीं पाएंगे हम? अब गर्मी आ रही है, आगे पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, पानी बार बार पीने की जरूरत पड़ेगी, तो ये कैसे इस पानी से हम पर्याप्त नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल है। इसलिए हम इस आपको कष्ट देने का हमने एक वीडियो उठाया, और ये जनता आपने देखी रोड पर आई हुई। अगर नहीं हुआ ये सलूशन इसका, तो ये जो आप गली में थे ये मेन रोड पर जाएगा प्रदर्शन। मैं कहना चाहता हूँ इस PHE विभाग को, यहाँ के प्रशासन को, कि इसका सलूशन निकालें। ये जनता बहुत दुखी हो चुकी है, ये रोज़ टैंकरों के माध्यम से पानी हम नहीं पूरा कर सकते। गरीब लोग हैं, यहाँ पर उतना पैसा नहीं है इनके पास कि ये खाना खाएंगे इस बंदी के दौरान, या पानी की परचेजिंग करेंगे। धन्यवाद। पठानिया मैं थे 20 साल रेंदे हुई न, साड़ा जड़ा ये शारका बिहार है, ये 4 सैक्टर न, और ये साड़ा सैक्टर 1 है। 4 सैक्टर कम से कम साड़ा 1,200 घर है टोटल। ये तुसे नहीं समझो भाई, इसे गली की प्रॉब्लम है, ये जरा पूरा एरिया, पूरे एरिए की साड़ी जी इगो प्रॉब्लम है। ये जी प्रॉब्लम आई है, ये खाली 1 साल या 1.5 साल की सू प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसके कोलों पहले जिन्ना पानी की सर्विस साढ़े महल च अच्छी ही, शायद कुछ एरिया च और इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने 1.5 साल की प्रॉब्लम क्रिएट की, और क्रिएट जी प्रॉब्लम की है इनकी जानी बुझी की दी। असें इन कई बार आख्या, मैं हूँ भी जेई साहब की आख्या, मैं आख्या तू साढ़े कन्ने बैठो, AW साहब भी आते हैं इतने बैठो, अस बेहिए सलाह करने, और सलाह करने बाद जितने असें थोड़ी हेल्प करनी होग, PHE दफ्तर जाना होग, चीफ साहब को जाना होग, जितने तुम्हें कोई परेशानी आवा दी है, कोई नवी चीज़ चाहिए है, अस उत्थे थोड़ी सपोर्ट करने, उस सपोर्ट करने जे अस इस लोगों की पानी की जी प्रॉब्लम है वो साफ सॉल्व हो जाग। लेकिन डिपार्टमेंट सीधे रस्ते आइए राजी नहीं है। मैं क्या आखना भाई, जदों के जेई साहब सरदार साहब आ देन, अदों की असी जी ज़्यादा प्रॉब्लम बन दी है। उसके कोलों पहले जिन्ने भी इतने जेई साहब हे, तकरीबन साड़ी जी प्रॉब्लम हो साढ़े कन्ने बिल्कुल कोपरेट करते हे। मैं 15 साल इतने प्रेजिडेंट भी रहा मैं महल का, और बिल्कुल शाना बछाना अगर पानी गड्डी आती ही, अस बाकायदा एक गली पूरा, अज जी गड्डी आई है एक घर की जाग, लेकिन जितने 1200 घर है वह के करे पानी गड्डी का जोड़ा वो सल्यूशन नहीं है। अस ये चाहते हैं असं जिंया रेगुलर सप्लाई साड़ी डेली आती ही, अभी त्रीए दिन अल्टरनेटिव सप्लाई नहीं चाहिए। अगर एक दिन बिजली मिस हो जाती है, अभी बिजली मिस होगी साड़ी बारी है, उसके बाद नैस साड़ी जी 5 दिन के बाद आई, 5 दिन लोग पानी कुथों पीन गए, जोड़ा वो त्रीए दिन भी पानी आता हार्डली 10 या 15 मिनट पानी आता।
15 मिनट अज इस तुस आपे जान दियो अज जिन्ने भी लोग हैं किन्ने किन्नी फैमिली है त्रै मेंबर कोलो फैमिली कुसे ज्यादा नहीं है बड़े चंद लोग न जिंदी जेड़ी फैमिली है कोई पांच या छे मेंबर लेकिन जिंदी दो मेंबर फैमिली है या त्रै मेंबर फैमिली है उंदियां भी टैंकियां खाली पेदियां ने सर्दियां ही पानी नहीं थोया असीं अगर सर्दियों च साड़ी यह प्रॉब्लम है तो गर्मियां अगर गौरमेंट ने साड़ा मसला हल नहीं किया आने वाले टाइम च यह जो पूरा शारका बिहार है ना तुम कुछ दोबारा आयो इसलिए लॉकडाउन है लोग कट्ठे नहीं हो सकते इतने कम से कम भी जी हजार आदमी की स्ट्रेंथ होगी हजार को भी क्रास करग अगर सरकार ने साड़ा मसला हल नहीं किया जिन्ना साड़ा एरिया शारका बिहार चारों चार सैक्टर अस जो भी साढ़े को अस सरकार की अगर कोई धरना देना पिया जा क्योंकि पानी है साड़ी जी बड़ी जरूरत है पानी के बगैर अस नहीं रही सकते किराया जरा अस रेगुलर देने अगर गौरमेंट की अस रेवन्यू देने तो फिर सानू पानी क्यों नहीं है हर एक घर जरा अज हजार रुपये का या 1500 रुपये कन्ने पानी जरा मुल लैदा क्या एक गरीब आदमी ध्याड़ीदार आदमी 1500 रुपया खर्च कर सकता क्योंकि साड़ी इसलिए जी है बर्दाश्त जी साड़ी लिमिट ही वह खत्म होगी क्योंकि एक साल असें डेढ़ साल दिखी लिया मसला नहीं हल किया तो उसका फिर रुझाना जरा सरकार की भुगतना पौ।